हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, इसमें बताते हैं, एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 22 ईयर्स ओल्ड 22 साल का एक जवान लड़का था जो स्काउट ऑफ द ईयर रहा था। स्काउट होते हैं ना, स्काउटिंग गाइड्स होते हैं स्कूल में, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती है ना स्काउट में। तो उसका स्काउट ऑफ द ईयर ये पर्सन रहा था और इसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को, मतलब पूरे जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट थे, उनको काफ़ी ज़्यादा अमेज कर दिया था अपनी थ्योरी ऑफ सेल्स से। मतलब सेल्स के बारे में इन्होंने जो थ्योरी दी थी, काफ़ी लोग उससे आश्चर्यचकित रह गए थे। रिचर्ड एच एम्ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और इन्होंने अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी, जो इन्होंने फाइंड किया था, वो इन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस जो आता था ना पेपर टाइप का, उसमें सब कुछ अपने जो इन्होंने डिस्कवरी की थी उसके बारे में इसमें आर्टिकल इन्होंने लिखा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल थी, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था कि इस जर्नल में, ये जर्नल ना बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसमें जर्नल मतलब मैगजीन टाइप की होती है, इस मैगजीन में पहली बार कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक काम को छापा गया था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम बैट। तो इसमें मतलब ये ऐसा ही था जैसे कि आप 15 साल की उम्र में कोई एक स्पोर्ट में बहुत ही अच्छा कर जाएं, ऐसे ही 22 साल का एक जो लड़का था जिसने एक साइंस के वर्ल्ड में इतना बड़ा काम कर दिया था। फॉर रिचर्ड एम्ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। बट ये बाकी लोगों के लिए तो था कि अरे 22 साल का लड़के ने इतना कुछ अचीव कर लिया, बट जो रिचर्ड एब्राइट था ना, इसके लिए एक बहुत सारी अचीवमेंट्स में से सिर्फ एक ही, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ हासिल कर लिया, उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ थी ये उनमें से, क्योंकि ये इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर चुके थे और इससे पहले इन्होंने बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी कुछ खोजें करी थी। अब देखिए आगे, एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिलेविया। देयर वॉजन मच इट आई कुड डू देयर, ही सेड। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। तो ये कहते हैं एब्राइट कि मैं जो है एक ओनली चाइल्ड था, ये सिर्फ एक लौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, और ये जहाँ पर पले बड़े हुए थे पेनिसिलेविया में, वहाँ पर ज़्यादा कुछ इनके ये करने के लिए था नहीं, क्योंकि ये खेल भी नहीं सकते थे बेसबॉल या फुटबॉल, या अकेले कैसे खेलते। बट अकेले एक काम किया जा सकता है और वो है चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ही डिड, तो उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। बिगनिंग इन किंडरगार्डन वहाँ पे केजी के लिए यूज़ होता है, तो किंडरगार्डन से स्टार्ट करते ही एल्ब्रेट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। बचपन से ही जो एल्ब्रेट थे, ये बटरफ्लाइज तितलियों को पकड़ा करते थे विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फोसिल्स, कॉइन्स। ही बिकेम ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट। तो ये मतलब बाकी सारे काम भी बड़े पैशन के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ किया करते थे। ये फोसिल्स मतलब कुछ पुरानी चीज़ें भी इकट्ठा किया करते थे, पत्थर वगैरह भी इकट्ठा करते थे, और एस्ट्रोनॉमर भी बनना चाहते थे कई बार, तो मतलब तारों को ये रात भर देखा करते थे। फॉर द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग द ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो इनका ब्राइट माइंड भी था बहुत ज़्यादा, मतलब होशियार भी थे और क्यूरियस भी थे। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक, काफ़ी उत्सुक रहते थे चीज़ों को जानने के लिए, और इनकी माँ ने भी इनको एनकरेज किया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया इनकी जो लर्निंग के प्रोसेस में। इनकी मदर ने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। ये इनकी मदर इनको ट्रिप्स पर लेकर के जाती थी, इनकी मदर ने इनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटीरियल, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स ला के दिए, जिससे मतलब जिस इस चीज़ में एल्ब्राइट को इंटरेस्ट होता था ना, इनकी मदर वो सारी चीज़ें इनको ला करके दे देती थी, इसलिए इनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। आई वॉज इज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। इनकी मदर कहती है मैं इसकी, एल्ब्राइट की सिर्फ अकेली कंपेनियन थी, मतलब दोस्त थी, जब तक ये स्कूल नहीं गया उससे पहले सिर्फ मैं ही थी इसके साथ। हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंक होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। और फिर उसके बाद मतलब जैसे कि
मैं इसके साथ रहती थी पूरे टाइम, इसके फ्रेंड्स भी आ जाते थे, बट रात के टाइम हम दोनों ही हुआ करते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ. आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. तो रिची, ये कहते हैं रिची मतलब जो एल्बर्ट है इनका ही निकनेम, तो ये मेरी पूरी, इनकी मदर कहती हैं रिची मेरी पूरी लाइफ था. जब इसके फादर की डेथ हो गई थर्ड ग्रेड में, जब ये था तब इसके फादर की डेथ हो गई, तब से यही मेरी पूरी ज़िंदगी है. शी एंड हर सन स्पेंड एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he hadn't have things to do, I would find work for him. Not physical work, but learning things. His mother said. He liked it. He wanted to learn. तो ये कहते हैं, बताती हैं कि हम लोग हर शाम जो है हमारा जो डाइनिंग रूम था वहाँ पर बिताते थे, और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेती थी, कुछ फिजिकल वैसा काम करने की चीज़ नहीं बल्कि मेंटल चीज़ें जिसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था. एंड लर्न ही डिड. और ये काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए चीज़ों को उत्सुक रहता था. ही earned top grade in schools on everyday things. He was just like every other kid, his mother said. मतलब ये इसकी मदर बताती हैं एल्ब्रेट की कि ये नॉर्मल बाकी बच्चों जैसे ही था, बस हाँ ये स्कूल में पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये वही सारे काम करता था जो बाकी सारे बच्चे करते थे. By the time he was in second grade, जब वो सेकेंड क्लास में आया, एल्ब्राइट had collected all 25 species of butterfly found around his होम टाउन. तो इनके घर के आसपास 25 तरीके की जितनी भी, मतलब टोटल 25 तरीके की इनके वहाँ पे बटरफ्लाइज मिलती थी, और सारी की सारी एल्ब्राइट ने कलेक्ट अपने पास कर ली थी. तो ये हमें बताते हैं कि मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, वुड निम्स और अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज हमें बता रखी हैं कि ये सारी उसने कलेक्ट कर ली थी. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड. बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एग्स. दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. तो सारी की सारी 25 बटरफ्लाई की स्पेशीज जो पेनिसिलिविया में मिलती थी वो तो सारी एल्ब्राइट ने कलेक्ट कर ली थी. फिर उसके बाद इनकी मदर ने एल्ब्राइट को एक किताब ला करके दे दी जिसमें मोनार्क बटरफ्लाई, देखिए मोनार्क बटरफ्लाई वो होती है जो अंडे देती है, और बाकी सारी जो बटरफ्लाईज अदर अदर वेराइटीज़ की होती है ना वो उनको पालने का काम करती हैं. तो काफ़ी कुछ आप ये समझिए उस किताब से एल्ब्राइट को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला बटरफ्लाईज़ के बारे में. एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन. जब बुक ये वाली जो इनकी थी ख़त्म हो गई, तो ऐसा मतलब इन्वाइट किया जाता है बुक के लास्ट में, जो बुक उस को पढ़ते हैं लोग उनसे कहा जाता है कि बटरफ्लाई जो माइग्रेट कर रही हैं, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं ना, इसका पैटर्न आप फॉलो करो और हमें बताओ कि कौन सी बटरफ्लाई कहाँ जाती है, किस तरीके से रहती है. तो इस बात पे भी एल्ब्रेट को बड़ा इंटरेस्ट आया. देवर आज टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक. तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने को मतलब टैग कर दो कि कौन सी बटरफ्लाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम रही है. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Albright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of मोनार्क्स. तो फिर वही इनकी मदर ने लेटर लिखा फ्रेडरिक को, डॉक्टर फ्रेडरिक को, और वहाँ से कुछ टैग्स वगैरह आ गए और बटरफ्लाइज पर एम्ब्राइट ने वो क्या करने स्टार्ट कर दिए, बटरफ्लाइज़ थी, बटरफ्लाइज़ पे ना टैग्स लगाने शुरू कर दिए ताकि वो कहाँ 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 घूमेंगी वो सारा का सारा पता लगता जाएगा. एनी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्खाट. तो कोई भी अगर किसी को टैग मिलता तो डॉक्टर उर्खाट को भेज दिया जाता था वो. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. तो लगभग 6 हफ्ते मतलब अराउंड 1.5 महीने तक बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन चला करता था जब बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज होती थी. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी. बट आप अगर एक के ही वन बाय वन एक के पीछे आप लग जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बटरफ्लाई पकड़ पाएंगे. सो नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. फ्लॉक मतलब उनके झुंड को आप रेज करो. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. मतलब आप अगर पकड़ने के लिए रह जाओगे ना एक एक बटरफ्लाई को तो आप पकड़ते ही रह जाओगे. फिर एल्ब्राइट ने क्या किया, एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ के लाया और अपने वहाँ पे अपने एक तरह से बेसमेंट में ही अपने घर में ही बटरफ्लाई की मतलब अंडे से फिर वो आगे प्यूपा बना फिर उसके बाद बटरफ्लाई बनी पूरा प्रोसेस वो उसने रीड करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से बटरफ्लाई आगे बढ़ती है. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. और फिर उसके बाद बटरफ्लाईज के विंग को वो टैग करते था जिनको वो पालता था उनको टैग करके बटरफ्लाई को छोड़ देता था.
प्रिडिक्ट करते थे कि वो कहाँ कहाँ घूम रही हैं. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो कई सालों तक वो अलग अलग बटरफ्लाइज को पालता था, किसी को पकड़ के लाता था और टैग लगाता था और उनको छोड़ देता था ताकि उनका मूवमेंट रीड किया जा सके कि वो कहाँ कहाँ जा रही हैं. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. फिर eventually आप एक काम को कितने टाइम तक कर सकते हो, है ना, तो वो भी थोड़े बोर होने लगे. It's tedious and there's not much feedback. मतलब वो काफ़ी tedious थका देने वाला काम था और कुछ ज़्यादा feedback किसी से पता भी नहीं लगता था कि क्या हो रहा है एक्चुअल में. Albright said, in all the time I did it, he laughed. Only two butterflies I had tagged were recaptured. सिर्फ दो butterflies को जिनको मैंने इतनी हज़ारों इतनी सारी ये कहते हैं इतनी सारी butterflies को मैंने टैग किया था उनमें से सिर्फ दो को ही वापस पकड़ा जा पाया था. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. और लगभग सिर्फ 75 miles ही दूरी पर उनको पकड़ लिया गया था. तो ज़्यादा कुछ पता नहीं लग पाया था जो मतलब कि उनकी माइग्रेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ वो घूमती हैं इस चीज़ के बारे में. अब आगे है देखिए. देन इन 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ वॉट रियल साइंस इज वेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. फिर मतलब उनको जब वो सेवन्थ क्लास में आए ना तब उनको पता लगा कि एक्चुअली में साइंस क्या होती है जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए. इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग. फिर वो कहते हैं बड़ी ख़राब सी फीलिंग थी कि वहाँ पर बैठे रहना और मतलब कि कुछ भी समझ में ना आ पाना क्योंकि वहाँ पर बाकी लोग जो थे वो जीत रहे थे, उनको समझ रहा था बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. ये बात एल्ब्राइट कहते हैं. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. वो कहते हैं कि इन्होंने तो मतलब जो फ्रॉग होता है फ्रॉक के मतलब फ्रॉक की एक स्किन को माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश करी थी बट उसमें तो कुछ खास होता नहीं है बट जो जीता था उसने रियल एक्सपेरिमेंट किया था. फिर इनको लगा कि मेरे को भी कुछ अलग सा नया सा करना पड़ेगा. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एल्ब्राइट वॉज अपियरिंग. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट ही सेड. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. फिर कहते हैं मुझे कुछ अलग सा करना पड़ेगा अगले साल के फेयर के लिए. तो उन्होंने सोचा कि मैं इंसेक्ट से रिलेटेड कुछ करूँगा क्योंकि इंसेक्ट्स के बारे में जैसे कि बटरफ्लाइज को तो कब से ये सालों से स्टडी कर ही रहे थे. सो ही रोट टू डॉक्टर. तो इन्होंने फिर से क्या किया, जब 7th grade में आ गए इनको लगा वही साइंस फेयर में ये हार गए थे फिर इन्हें लगा कि अगले साल मुझे कुछ अच्छा करना है. तो इन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट को लिखा और उनसे कहा कि सो ही रोड टू डॉक्टर अर्कहर्ट फॉर आइडियाज़ कि मतलब कुछ आइडियाज़ उन्हें शायद मिल जाएँ. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स और डॉक्टर अर्कहर्ट ने उनको काफ़ी सारे सजेशंस भेज दिए. दोस केप्ट एम्ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स. और फिर मतलब काफ़ी सारे इनको मतलब आइडियाज़ मिल गए और इसी दौरान ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे अपने जो ये वो वाला फेयर था इनके सिटी में जो हो रहा था उसमें भी और काफ़ी इंटरनेशनल जो फेयर्स थे उनमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज़ वगैरह मिले. फॉर हिज 8th grade में एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो मतलब फिर उसके बाद 8th grade में आए तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, मोनार्क कैटरपिलर्स मतलब जो अंडे देने वाली तितलियाँ जो होती हैं इनके जो बच्चे किस तरीके से मर जाते हैं एक डिसीज से बहुत सारे, तो इससे इनको कैसे बचाया जाए. तो एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाई बीटल. तो इन्हें लगा कि जो बीटल एक कीड़ा होता है शायद बीटल की वजह से ये बीमारी फैलती है. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. तो इन्होंने सोचा कि beetles के साथ caterpillars को बड़ा किया जाए. I didn't get any real result. He said. इन्होंने कहा कि फिर मगर मैंने साथ में मतलब caterpillars को भी और beetles को भी साथ साथ बड़ा करने की कोशिश करी बट मुझे कोई ऐसे अच्छे results नहीं मिले. But I went ahead and showed that I had tried the experiment that this time I won. और फिर इन्होंने वही जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था बीटल्स का और कैटरपिलर्स का वो दिखाया और इस बार इस फेयर में ही जीत गए. नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. तो मतलब बटरफ्लाइज जो है मोनार्क्स को कॉपी करती हैं, ये इनके नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट रहा. द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. तो इसमें क्या था देखिए,
फिर इस बार इन्होंने इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश करी कि दो तरीके की जो है बटरफ्लाइज होती हैं, एक होती है वायसरॉय, एक वायसरॉय बटरफ्लाई होती है और एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है। तो जो वायसरॉय बटरफ्लाई है ना वो मोनार्क बटरफ्लाई की नकल उतारती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो खाने में टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो बर्ड्स होती हैं ना उसको नहीं खाती हैं, बट वायसरॉय बटरफ्लाई का टेस्ट अच्छा होता है तो बर्ड इसको खा जाती हैं। तो वायसरॉय ना ऐसा नकल उतारने की कोशिश करती है मोनार्क जैसे ताकि उसको बर्ड्स ना खाएं। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी और जो वो काउंटी फेयर था उसमें इनको मतलब अपने जो सेक्शन था ये इंसेक्ट्स वाला इसमें तो इनको फर्स्ट प्राइज मिला और पूरे के पूरे काउंटी जो काउंटी साइंस फेयर था ना अपने मतलब जूलॉजी सेक्शन में इनको जो है फर्स्ट प्राइज मिला और ओवरऑल इनको थर्ड प्राइज पूरे के पूरे साइंस फेयर में मिला था। फिर सेकंड ईयर इनका हाई स्कूल का भी 8th क्लास के बारे में थे। अब इनका जो सेकंड ईयर था ना हाई स्कूल का उसमें रिचर्ड एम्ब्राइट थे इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या था कि एक अननोन इंसेक्ट था, इंसेक्ट को हिंदी में कीट कहते हैं, अननोन इंसेक्ट का जो हार्मोन था ना उसकी खोज की तरफ मतलब ये इनको ले गया। इन्होंने क्या किया, एक अननोन सा इंसेक्ट था उसके हार्मोन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ पता लगा लिया। इनडायरेक्टली इट लेड टू द न्यू थ्योरी ऑफ साइकिल, न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। मतलब इस जो ये रिसर्च कर रहे थे कि अजीब सा जो कीड़ा था उसके हार्मोन्स के बारे में, इसकी हेल्प से ये मतलब इतना आगे पहुंच गए कि इन्होंने सेल्स के बारे में एक और नई चीज़ हमें बता के दे। अब ये जिस कीड़े के बारे में बात कर रहे थे ना यहाँ पर हमें देखिए काफ़ी ना साइंटिफिक सा ये चैप्टर है तो इसमें आप समझ लीजिए कीड़ा है सपोज़ करिए तो इसमें ना कुछ अलग अलग से स्पॉट्स हैं, है ना। आप देखते होंगे कीड़ों पे अलग अलग से स्पॉट्स होते हैं, अलग अलग से डिज़ाइन होते हैं। तो सब लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है ये जो डिज़ाइंस हैं ना सिर्फ सजावट ही हैं, सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं। बट जो डॉक्टर अर्कहार्ट थे और इनफैक्ट इन्होंने खुद ने एम्ब्राइट ने भी ये समझा और काफ़ी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे कि भाई ये जो डिज़ाइंस हैं ना ये जो धब्बे हैं या फिर जो भी इन पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इसमें कुछ अलग सी बात है। फिर इन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करी तो रिसर्च करके इन्होंने ये समझ में आया कि जो तितली होती है या फिर कोई भी कीड़ा होता है, प्यूपा हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उनका जो विकास होता है उनके डेवलपमेंट में ये जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये उन्होंने प्रूव कर दिया। तो जो काउंटी फेयर था उसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला इसकी वजह से और इनको इंजीनियरिंग में भी इसकी वजह से जो है एडमिशन मिल गया। और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और एथमोलॉजी लेबोरेटरी में भी इसकी वजह से इनको काम करने का मौका मिला क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया था कि किस तरीके से ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो किसी भी बटरफ्लाई हो गया या कोई भी कीड़ा हो गया उसकी बॉडी पर जो अलग अलग से निशान होते हैं वो किस तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी आगे की। अब इसमें मतलब काफ़ी कुछ ये लोग डेवलप करे जा रहे थे, मतलब एम्ब्राइट जो थे वो अपने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके काफ़ी आगे पहुँचे जा रहे थे। अब यहाँ पे इन्हें सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, अब सीनियर ईयर में ये और आगे बढ़ गए। उन्होंने ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ देवर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द कोल्ड स्पॉट्स। तो इसने अपने जो सीनियर ईयर था उसमें इसने ये प्रूफ कर दिया कि क्या होता है ना कि रिचर्ड ने प्रूफ कर दिया कि जो सेल्स होते हैं, रिचर्ड ने सेल ग्रो करे फ्रॉम द विंग्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, मतलब मोनार्क बटरफ्लाई के विंग्स में से इसने क्या करे सेल्स ग्रो करे। ही फर्दर प्रूव दैट सेल्स ग्रो इनटू स्केल्स ऑफ विंग्स ओनली व्हेन सेल्स जो हैं वो विंग्स में डेवलप हो सकते हैं जब इनके जो गोल्डन गोल्डन स्पॉट्स होते हैं ना बटरफ्लाई के जो गोल्डन स्पॉट्स थे इसमें से इन्होंने हार्मोन लिया और इस वाले सेल्स में हार्मोन को इंजेक्ट किया और पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बटरफ्लाई का बन के खड़ा हो गया। और फिर इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे आर्मी लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इन्होंने करे और अपना पूरा जो ईयर था वो यही लेबोरेटरीज में जो है एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में और आर्मी लेबोरेटरी में हार्मोन पर टेस्ट करते हुए इन्होंने पूरा का पूरा अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया। और फिर लास्ट में हमें मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखिए जो चैप्टर है ना वो साइंस से भरा हुआ है तो इसलिए आपको इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे उसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो इसमें साइंस में उसने प्यूपा पे कर दिया, उसने डीएनए की खोज कर दी। तो अब इसमें क्या है, रिचर्ड आगे जो होते हैं वो सेल की स्टडी करते हैं, सेल और डीएनए की स्टडी करते हैं। तो ये देखते हैं जब ये रिचर्ड
रिचर्ड एम्ब्राइट जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो हार्मोन है ना, हार्मोन पे जो रिसर्च कर रहे थे उनको ये आइडिया आया कि ही बिलीव दैट हिज स्टडी को टेल हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। सेल्स जो है वो अपने डीएनए को किस तरीके से रीड करते हैं, और अपने जो कॉलेज के रूममेट थे इनके वोंग, उनके साथ इन्होंने इस आइडिया को पूरे मतलब पब्लिश किया, और मतलब इस पर ही इनका रिसर्च पेपर छपा था। और जो रिचर्ड थे वो ग्रेजुएट हो गए, इन्होंने अपनी क्लास 1510 स्टूडेंट्स की इनकी पूरी क्लास थी उसमें इनकी सेकंड पोजीशन आई थी, और फिर उसके बाद एक ग्रेजुएट रिसर्चर बन गए और अपनी बाकी की थ्योरीज पर वो काम करने लगे। और इन्होंने काफ़ी नई थ्योरीज प्रेजेंट करी कि हिज न्यू थ्योरी मे क्रिएट न्यू वेज टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। तो इनकी जो नई नई थ्योरीज ये ला रहे थे, और मतलब किस सेल्स और डीएनए किस तरीके से एक साथ एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, इनसे जो है काफ़ी सारी बीमारियां और कैंसर तक की बीमारी भी जो है वो भी ठीक की जा सकती है। अब जो ये रिचर्ड थे ना, ये सिर्फ साइंस में ही नहीं इंटरेस्टेड थे बल्कि ये काफ़ी अच्छे डिबेटर भी थे, एक पब्लिक स्पीकर थे, ये आउटडोर पर्सन थे, घूमना फिरना इन्हें पसंद था, ये फोटोग्राफी करते थे और ये नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एम्ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब हमेशा इनके ए आए थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs। तो मतलब ये क्या करते थे, फोटोग्राफी भी करते थे और अपने सारे काम अच्छे से करते थे और बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, तो काफ़ी इनके अच्छे ग्रेड्स भी आते थे और अच्छे मतलब काफ़ी मतलब फ्रेंडली पर्सन भी थे। सोशल स्टडी टीचर जो थी वो इनकी प्रेस करती हुई कहती है, इनकी तारीफ करती हुई, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग स्टूडेंट हैं और अपना काम जो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें बेस्ट रहने की ये कोशिश करते हैं। रिसर्च जो रिचर्ड हैं उसमें सारी क्वालिटीज़ थी एक ट्रू साइंटिस्ट की, उनकी जो क्यूरोसिटी थी और उनका जो फर्स्ट रेट माइंड था कि किस तरीके से नई नई चीज़ों को खोजना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो ही वॉन्टेड टू विन फॉर द राइट रीजन्स। तो वही है कि रिचर्ड जो है कोई प्राइज़ जीतने के लिए इन सब के लिए काम नहीं करते थे, वो इसलिए काम करते थे क्योंकि उन्हें करना था वो काम, क्योंकि वो चीज़ें वो जानना चाहते थे, खोजना चाहते थे। और इन्होंने जो मोनार्क बर्ड है इसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया, जिससे हमें आज बटरफ्लाइज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया है, काफ़ी अजीब सा चैप्टर था, मेनली पूरे साइंस फेयर्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने बटरफ्लाइज़ को के पीछे घूमे, उसके बारे में कैसे कैसे रिसर्च करी, यही सब इस चैप्टर में था। तो थैंक यू।